सभी को मेरा नमस्कार। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? वॉल्यूम ठीक है बेटा? जी मैडम आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान यूज ऑफ रसायन योगास फ्रॉम चरक संहिता इन क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय डॉक्टर श्री हर्षा केवी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ संहिता एंड संस्कृत सिद्धांत, हिल साइड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बेंगलुरु। यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द विश्व आयुर्वेद परिषद कर्नाटका। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं आपका लेक्चर शुरू करने से पहले आपका एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रखना चाहूंगी। आपने एज अ सेक्रेटरी ऑफ द आयुर्वेदा फाउंडेशन, अयप्पम आयुर्वेदा फाउंडेशन में अभी वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च, अयप्पम इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिजीनियस साइंस एंड रिसर्च, बेंगलुरु में भी आप वर्तमान समय में अभी काम कर रहे हैं, और चीफ कंसल्टेंट ऑफ श्री तुलसी आयुर्वेदालय बेंगलुरु में अब अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं इसमें देख रही थी कि आपने बहुत सारे जन चेतना चलाने के लिए अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है, साथ साथ में आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल में, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे कैंप्स आयोजित किए हैं और उसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं, और इसके साथ साथ आप में जो लीडरशिप को और अन्य मैनेजेरियल स्किल को जो अच्छी तरह से डेवलप आप में तो है ही, दूसरे में भी करने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ द अयप्पम आरोग्य, एक क्वार्टरली मैगजीन फ्रॉम द अयप्पम आयुर्वेदा फाउंडेशन में भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अवॉर्डेड विद द अग्निवेश 2014 फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द एकेडमिक्स, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड co-curricular activities during the post-graduation study, awarded on 27th February 2014 on the occasion of the Taranga 2014 on the annual day of this institute. You are also felicitated as the best alumni for the contribution in the field of the health services and the education in Ayurveda at Samavaya 2016 alumni meet at the STM College of Ayurveda and Hospital Hassan on the 3rd July 2016. यानी constantly आप बहुत सारे organize करते हैं workshops, symposia, public awareness program and the multi-speciality Ayurveda medical camps में। सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि डक्सा बहुत सारे योग teachers, बहुत सारे layman public और बहुत सारे UG PG students तो है ही, उनको भी आयुर्वेद से जोड़ने का एक अमूल्य, अनन्य और प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं यहाँ आज बहुत ब्रीफ में बायोडाटा मैंने दिया है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपके सारे जो इंटरेस्ट के एरिया थे वो भी मैं समझ रही थी कि बहुत ही बढ़िया रहे, जो आपके आज के टॉपिक के सिलेक्शन में भी वो झलकता है। एक में सभी पार्टिसिपेंट्स को खासकर कहना चाहूँगी कि आज डॉक्टर साहब ने इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए तुरंत हाँ भर दी, वरना मुझे कई बार 3-4 लोगों को पूछना पड़ता है कि आप करेंगे क्या, आप करेंगे ऐसे समय रहेगा क्या, मगर आपने तुरंत ही पहले स्पीकर है पूछा और तुरंत हाँ, तो बस दिल बाग बाग हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए। आप जैसे स्पीकर के योगदान से ही आज वो 9 साल से अनवरत प्रत्येक शुक्रवार को ये व्याख्यान माला निशुल्क रूप से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम इस प्लेटफॉर्म पर, और ओवर टू यू डॉक्टर श्री हर्षा केवी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने थोड़ा ज्यादा ही प्रशंसा कर ली मेरी, पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं, पर वैसे शुरू से यूजी और पीजी से ही मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ और आयुर्वेद के लिए काम भी कर रहे हैं। एक जस्ट थोड़ी ये थी स्पेलिंग का, ये था हमारा इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपियम,
आप ये मतलब अप धातु से,